शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे वाह, जीतने पर इतनी खुशी? क्यों नहीं भैया, खेल जीतने के लिए तो खेलते हैं और जीत की तो खुशी होती है। ये तो है। क्या हुआ, तारीख पे गए थे? क्या हुआ, नेक्स्ट वीक की तारीख मिल गई है, फिर से जाना है कोर्ट। अरे यार, पर दिक्कत कहाँ आ रही है? जमीन तो हमारी है ना, तो जज को फैसला देने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अगर चीजें कानूनी तरीके से नहीं होगी ना, तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ, आते हैं हम लोग। देख भाई, मेरी बात को ध्यान से सुन और समझ। हम यहाँ पर दो लोग रहते हैं और अकेले रहते हैं दोनों। अगर किसी दिन उन लोगों ने हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे बता? वो तो बाहर रहता है ना, और कोर्ट में मैटर चल रहा है, सुलट जाएगा, क्या प्रॉब्लम बता? अरे नहीं होगा भैया इतनी जल्दी, मुझे पता है ना, यही तो प्रॉब्लम है। तू तो क्यों इतना परेशान हो रहा है? टेंशन मत ले, तो सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है बोल। भैया मैं चाहता हूँ कि अगर जमीन का मैटर जल्दी सुलझ जाता ना, तो जमीन को बेच देते। जमीन? मतलब तू जमीन क्यों बेचना चाहता है? भैया मैंने घर लिया वहां पर, उसका लोन है, पर हर रोज बैंक वाले का फोन आता है, तो पापा भी वही बोल रहे थे कि अगर जमीन बेच देते तो उसका लोन चुका देता मैं। मुझे सच में पैसे की बहुत जरूरत है। मैं समझता हूँ कि तेरे ऊपर जिम्मेवारी है, लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। बता कितने पैसे चाहिए तुझे, मैं दूंगा तुझे। नहीं, वो पैसे कुछ ज़्यादा हैं। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, तेरा भाई अभी जिंदा है ना, मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगा। अब तेरी फैमिली मेरी फैमिली है यार, क्यों सोच रहा है ऐसा? है तू मुझे बस इतना बता, तुझे कब और कितने पैसे चाहिए? ठीक है, तो अगले हफ्ते तो मैं जा रहा हूँ, मिनिस्टर के यहाँ प्रोग्राम है, तो वहाँ ड्यूटी लगी है मेरी, तो देखो अगर तब तक हो जाए तो बेटर होगा। ठीक है, अगले हफ्ते तेरे जाने से एक दिन पहले हम लोग बैंक चलते हैं और इस रिकवरी के मैटर को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। ठीक है, चला जा, अब हंस दे। चल। पांच सीधे दबा आ गया। ओह, अभी देखो दूसरी भी बाहर जा रही है। ओह ठीक। तानिया, कल हम पार्टी करने वाले हैं। वो किस खुशी में भैया? अरे तुम आई हो, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? मैं एक मिनट आता कॉल लेके। हेलो, कहाँ बे साले, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है हमें मारने का चाल चल रहे हो? और वो तुम्हारा सहरी भाई कहाँ है? बहुत पर निकल आया ना उसके, साला घर पे ही घुस के मारेंगे अभी, घर पे ही रहना। अरे तुम्हें क्या हो गया अचानक से? ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हारे किसी ने कान भर दिए। तुम तो अच्छे से जानते हो ना मुझे, और अगर तुम्हें अपनी गलत फहमी दूर करनी है तुम आकर के मुझसे घर पर मिल सकते हो, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर गया हूँ। और बंटी बता रहा था कि वो तुम्हारा सहरी भाई हमें मारने की बात कर रहा था अपने दोस्तों से। अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, उसने ड्रिंक कर रखी थी, हो सकता है उसने कुछ बोल दिया होगा। मैं माफी मांग रहा हूँ ना उसकी तरफ से। सारा नशा उतार देंगे उसको, बोल देना। हाँ, जमीन हमारी होगी। क्यों, कौन था? अरे कुछ नहीं, वो ऐसी मैं संभाल लूंगा। आजा आजा, चल तुम्हारी बारी है। ये क्या कर रही हो यहाँ पर? आसपास लोग हैं, देखेंगे तो क्या समझेंगे? वीरेंद्र, मुझे लगा कोई तो था, कोई था जो मेरी पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। यहाँ खड़े होके क्या कर रही हो? चलो अंदर। मैं कहा यहाँ खड़े रह के आपकी फेवरेट जगह है ना? हमेशा यहीं बैठा करते हैं आप, अच्छा लगता है आपको? ये तो है।
अच्छा मुझे पैसे चाहिए ना। कितने चाहिए? 80 लाख। 80 लाख? 80 लाख नहीं, 1 करोड़ दूंगा तुझे, पूरे 1 करोड़। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी? बोल दो। अरे बोलिए, उसमें क्या है? मुझे ना 1 हफ्ते के लिए तान्या के साथ में रात बितानी है। देख, तू मेरा छोटा भाई है ना, मुझे पता है कि तू उसको मना लेगा। तुझे तो अच्छे से पता है कि मैंने अभी तक शादी नहीं की। शायद इसीलिए नहीं की क्योंकि मुझे आज तक तान्या जैसी कोई लड़की मिली नहीं। और पता है, मुझे ऐसा लगता है कि तान्या भी मुझे बहुत पसंद करती है। मेरी छोटी छोटी बातों पर हंसती है, मतलब उसको जो मेरे छोटे छोटे जोक्स होते हैं ना और जो छोटी छोटी बातें होती हैं, कितना मुस्कुरा जाती है। हाय हाय, इतनी खूबसूरत। और तुझे तो ये बात अच्छे से पता है कि मैंने शादी आज तक क्यों नहीं की, क्योंकि मुझे आज तक मेरे पसंद की कोई लड़की मिली नहीं। और अब पसंद भी आई तो तान्या। और महाभारत तो देखी है तूने, उसमें भी तो 5 पांडव और 1 पत्नी है ना। तो क्या हम 2 भाई 1 पत्नी के साथ नहीं रह सकते है? ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सिर्फ 1 साइन में तान्या के नाम। और मुझे पता है कि वो भी इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कभी मना नहीं करेगी। पसंद करती है मुझे। चुप, एकदम चुप। दोबारा अपनी घटिया जबान से ना मेरी बीवी का नाम नहीं लेना। ते शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए, मुझे तो मर जाना चाहिए। अरे सुन तो सही। अरे सुन ना, अरे 1.5 ले ले यार। ऐसा क्या कह दिया यार मैंने? मेरा हाथ क्यों अपने आप को मार रहे हो? मैं बताता हूं ये ऐसा क्यों कर रहा है। कल रात को इसने क्या किया आपको पता है? मुझसे गलती हो गई मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने कल रात को बहुत पी रखी थी, मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने ये सब कैसे बकवास कर दी। माफ कर दे यार मुझे, मैं हाथ छोड़ता हूं तेरे। मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूं? कैसे बोल सकता हूं मैं अपने घर की बहू के बारे में ऐसी बात? मैं कैसे कर सकता हूं यार? मुझे माफ कर दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं तेरे। गलतियां इंसान से होती है। तुम पी रहे थे, पीने के बाद आदमी को पता चलता है वो क्या बोल रहा है। भाई की बात का बुरा लगाओगे तो कैसे चलेगा? जो कुछ भी कहा शराब ने कहा, अगर ये होश में होता तो ऐसी बात करता क्या? चलो मेरे कहने पे उसे माफ कर दो। ठीक, अब अपने भाई के गले भी नहीं लगेगा क्या?
25-25 लाख रुपए के 4 चेक है। थैंक यू। जब से हम यहाँ आए ये मुझे पहली बार बाहर घुमाने ले जा रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। तो तुम लोग पैदल क्यों जा रहे हो? ये मेरी गाड़ी की चाबी है, जाओ घूम के आओ। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत। अरे लो ना, ये लो, जाओ। ओके बाय भैया। को सबसे पहले किसने देखा? मैंने सर। सुना तुम दिल्ली पुलिस में हो? जी सर। चलो विस्तार में बताओ। सर मैं सुबह जॉगिंग के लिए निकल रहा था, मैंने सोचा कि भैया को लेकर चलो। उनके कमरे में गया तो देखा वो नहीं है। मैं ऊपर छत पे गया तो देखा वहां पर भी नहीं। जब मैं नीचे लॉन पे आया तो देखा। तुम्हें क्या लगता है कौन मार सकता है? सर ये दो लड़के रहते हैं बगल में, मनीष और विकास। आए दिन उनका हमारे घर पे विवाद चलता रहता है जमीन को लेकर। मुझे लगता है उन्होंने ही किया है। क्या दोनों के घर? तुम कब से हो यहाँ पर? सर ये मैं 10-15 दिन से आया हुआ हूँ। मनीष और विकास बहुत परेशान करते थे सर, उन्होंने तो कई बार मारने की धमकी भी दी थी। मैंने अपने कानों से सुना है सर, मोहल्ले वालों ने भी सुना है। सर मुझे इंसाफ चाहिए बस। सर मैं उनके घर पे गया था, दोनों घर पे नहीं है। मैंने घर पे बोल के आया है कि वो जैसे ही आए तो पुलिस स्टेशन भेज देना। सब जगह ढूंढो उन्हें, कॉल डिटेल्स मोबाइल लोकेशन से टैग करो। मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए, समझे? जाओ। बड़ा बेटा था मेरा, वो अब किसके साथ जीऊंगा बेटा? ऐसे मत रोइए पापा, प्लीज। मैं हूं तो, मैं और तानिया अगले हफ्ते आ जाएंगे, फिर तानिया आपका अच्छे से ख्याल रखेगी। प्लीज अपनी दवाइयां लेते रहिएगा, कुछ भी हो तो मुझे फोन करिएगा। चलता हूं। सर कहाँ निकल रहे हो मिस्टर? हैं सर वो मिनिस्टर के यहाँ ड्यूटी लगी है, तो आज ट्रेन है सर, तो जाना पड़ेगा सर जल्दी। जाना पर हमारे साथ। राघव इसको वीडियो दिखाना, इसके उस रात के कारनामों का। देखो वीडियो, देखो ये, देखो तुम्हारे कारनामे।
पर तुमने अपने ही भाई का कत्ल क्यों किया? अरे सर, बहुत गंदा इंसान था सर वो। तानिया पर उसकी बुरी नजर थी सर। मेरा दिमाग खराब हो गया जब मुझे पता चला कि तानिया के पीछे पड़ा है। सर चुप के फोटोज लेता था, वीडियोस बनाता था सर। सर कैसे बर्दाश्त करता सर? मुझे लगा कि कहीं तानिया के साथ कुछ गलत ना कर दे तो मैंने उसकी जान ले ली सर। सर मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया सर। ए, अरेस्ट करो उसको। आ जाओ सर। सर प्लीज चल चल थाने चल।